हेलो दोस्तों, तो आज फिर मैं हाजिर हो गया आपके लिए थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस लेके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2018। अभी काफी रात में मैं आप लोगों के लिए थर्ड शिफ्ट का वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मार्कर भी मिल नहीं रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी में क्या करे, सेकंड शिफ्ट में भी नहीं मिला वो उस तो हम क्या करे, हम लाने के लिए रात में तो जा नहीं सकते हैं। सो आप लोग ना क्वेश्चन एक बार हम याद करवा देते हैं, आप लोगों को याद हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। बाकी मैं पीडीएफ का लिंक नीचे दे दूंगा, आप लोग देख लेना, याद हो जाएगा। अगर आपको लिंक नहीं पता चल रहा है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि लिंक आपको मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। वो पहला क्वेश्चन है कि सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बच्चों वैज्ञानिक नाम शुरू हो गया है पूछना, क्योंकि कल जो प्रश्न आए थे, कल पूछा था मेढक का वैज्ञानिक नाम जो राणा टिग्रीना था, और आज पूछा सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम जो ग्लाइकिसिन मैक्स है। ग्लाइकिसिन मैक्स है ना। दूसरा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो बच्चों शुद्ध जल का पीएच मान आपको भी पता है कि जल उदासीन होता है, और शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। नेक्स्ट, डेसीबल मात्रक है। तो डेसीबल ध्वनि के तीव्रता का मात्रक होता है। डेसीबल से हम ध्वनि के तीव्रता को ज्ञात करते हैं। करा जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो पीओपी प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो इसमें एक बात और याद कर लेना है कि जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। करा सोना किसमें घुल जाता है। तो सोना एकमात्र एक्वारेजिया में घुल जाता है। सोना के साथ साथ आप एक प्रश्न और याद कर ले कि प्लैटिनम भी घुल जाता है एक्वारेजिया में, प्लैटिनम। नेक्स्ट है कि गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन निकलता है। तो महिलाएं जब गर्भ से होती हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। गर्भ के दौरान ऑक्सीटोसिन, ध्यान से सुनेंगे, ऑक्सीटोसिन। पी ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं। तो पी ब्लॉक में 37 तत्व हैं। पी ब्लॉक में तत्वों की संख्या है 37। करा अगर परमाणु संख्या 20 हो, द्रव्यमान संख्या 40 हो, वो तत्व कौन सा है। तो वो तत्व है कैल्शियम, है ना, क्योंकि परमाणु संख्या से ही हम ज्ञात कर लेंगे। तो परमाणु संख्या 20। करा विश्व हैपनेस सूचकांक, ये एएलपी और टेक्निशियन का जब एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया था कि भारत के खुशी वाले इंडेक्स में भारत का स्थान 133वां है। मतलब वर्ल्ड हैपनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान है 133वां। अभी एक पोर्टल का नाम है पेंसिल पोर्टल। पेंसिल पोर्टल चलाया गया है किसके लिए, तो बाल मजदूरी पर रोक के लिए, है ना। अने पेंसिल पोर्टल किस लिए, तो बाल मजदूरों से संबंध रखता है। एक बार फिर से मैं आपके लिए क्वेश्चन रिपीट करता हूं। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है ग्लाइकिसिन मैक्स। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है ग्लाइकिसिन मैक्स। शुद्ध जल का पीएच मान कितना, तो 7। डेसीबल मापता है ध्वनि की तीव्रता, है ना। अरे डेसीबल क्या मापता है, ध्वनि की तीव्रता। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। सोना घुल जाता है एक्वारेजिया में। पी ब्लॉक में एलिमेंट कितने होते हैं, तो 37। और महिलाएं जब गर्भ से होती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान है 133वां। और लास्ट क्वेश्चन है, मतलब पेंसिल जो पोर्टल है वो बनाया गया है बाल मजदूरों के लिए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। करा आसियान 2018 का सम्मेलन कहां हुआ। तो आसियान 2018 का सम्मेलन हुआ है सिंगापुर में। आसियान 2018 का सम्मेलन कहां हुआ, सिंगापुर में।
थल सेना के जनरल है ना, थल सेना के जनरल यानी थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो बिपिन रावत। थल सेना अध्यक्ष कौन है, बिपिन रावत। नेक्स्ट किताब का नाम है हीट रिफ्रेश बुक, किताब का नाम है हीट रिफ्रेश बुक, और हीट रिफ्रेश बुक के लेखक है सत्या नडेला। सत्या नडेला, ध्यान से सुनेंगे, थल सेना अध्यक्ष जो है वो बिपिन रावत हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि हीट रिफ्रेश बुक के लेखक कौन है, सत्या नडेला। आसियान 2018 का सम्मेलन कहां हुआ, सिंगापुर में। देखिए सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, सॉरी एक क्वेश्चन जो ये जो है प्रिज्म पुरस्कार, प्रिज्म पुरस्कार किसे मिला, प्रिज्म पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, तो वास्तु विज्ञान में, वास्तु विज्ञान में। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं खड्गे प्रसाद ओली, नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है खड्गे प्रसाद ओली। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टेकोफेरॉल। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में मिला रमेश कुंतल मेघ को, है ना। हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ को मिला। यूपीआई 2.0 किसने जारी किया, आरबीआई। यूपीआई 2.0 किसने जारी किया, आरबीआई। लाल फास्फोरस का उपयोग करते हैं माचिस के तिल्ली में, लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं माचिस के तिल्ली में। जीएसटी 2017 में कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई से, यानी जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुआ, और सेकंड शिफ्ट में आया था जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन। करा आवर्त सारणी में क्षैतिज लाइन को आवर्त कहते हैं, आवर्त सारणी में क्षैतिज लाइन को क्या बोलते हैं, तो हम आवर्त बोलते हैं। मनुष्य का ब्लड प्रेशर, ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का था, रिपीट हो गया है। मैग्नीशियम की संयोजकता होती है +2, है ना, मतलब मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होगी, +2। हंगरी की राजधानी है बूढ़ा पेस्ट, हंगरी की राजधानी है बूढ़ा पेस्ट। आयरन का परमाणु क्रमांक है 26, आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 26। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, है ना, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। एक सूर्य शक्ति योजना है जो किसानों के लिए चलाई गई है, सूर्य शक्ति योजना गुजरात सरकार के द्वारा चलाई गई, सूर्य शक्ति योजना गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया। मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे मापते हैं, तो ऑक्टेन संख्या से, पेट्रोलियम की गुणवत्ता मापते हैं ऑक्टेन संख्या से, है ना। और परमाणु की खोज जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया, तो एक बार और क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है खड्गे प्रसाद ओली, यूपीआई 2.0 आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया, है ना। कह रहा है नेक्स्ट आयरन का परमाणु क्रमांक कितना 26, आयरन का परमाणु क्रमांक 26। जीएसटी को शुरुआत 1 जुलाई 2017 में, आवर्त सारणी में क्षैतिज को क्या बोलते हैं, तो हम आवर्त बोलते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। किसानों के लिए सूर्य शक्ति योजना गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया, और प्रिज्म पुरस्कार दिया
जाता है वास्तु विज्ञान में, प्रीतम पुरस्कार वास्तु विज्ञान में। हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो रमेश कुंतल मेघ को, रमेश कुंतल मेघ को। और थल सेना अध्यक्ष हैं बिपिन रावत। तो ये टोटल क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। जैसा कि मैंने शुरू किया है एक सेशन की क्वेश्चन का आप आंसर बताओगे, तो आज मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ के जा रहा हूं। थल सेना के बिपिन रावत हैं, आप वायु सेना के जो हेड हैं वो कौन है ये बताइए, और जल सेना के हेड कौन है ये बताएं। जरूर से जरूर आप लोग कमेंट्स करके मुझे ये बताइएगा कि वायु सेना और जल सेना के हेड कौन है। जो कमेंट्स करके बताएंगे मैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उन्होंने बताया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।